राम का वनवास। राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ श्वास और केवल हे राम कहा, फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं हैं? यदि वे मुझसे अप्रसन्न हैं, तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, वत्स, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु इनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए ये तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे दो वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे दोनों वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो कुछ मैं कहूंगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे, तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूँगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, वत्स, मैंने पहले वर से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अथ अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वक्कल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुःखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पापरूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुःख और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिताजी इतने परेशान हैं? मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ, यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए।